हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग जो बात करने वाले हैं अधिशासी अधिकारी और कर निरीक्षक के लिए और दूसरा आरओई आरओ के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जितना भी आपका सिलेबस है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस सेम ही है, बस क्वेश्चनों का फॉर्मेट अलग अलग है। तो उसमें जितने भी आपके विषय के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जो मुझे लगता है इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं या यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों के ज़्यादा गलत होते हैं, एक तो मैं उन टॉपिक को शामिल करूँगा, मतलब जो कन्फ्यूजन वाले टॉपिक हैं, और दूसरे वो टॉपिक इसमें होंगे जो मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, ऐसे टॉपिकों को मैं इसमें शामिल करूँगा। ये सीरीज आपके लिए यूट्यूब पर फ्री रहेगी, बस इतना सा आपका सपोर्ट रहना चाहिए है। देखिए, हमें भी तभी अच्छा लगेगा जब आप भी सपोर्ट करेंगे ना। तो वीडियो जो भी आप देखते हैं, आपको अगर वो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर लेना, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अपनी जो रिएक्शन है वो जरूर आप देना। इसके अलावा आप इतना जरूर करना कि जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको कराऊंगा, सब्जेक्ट वाइज मैं आप कराऊंगा, उसके अलावा आपको लगता है सर ये टॉपिक भी आप इसमें करा दीजिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उन सभी कोई सा भी आप नीचे अगर लिख दोगे सर ये करा दो तो मैं वो करा दूंगा। देखिए, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अधिशासी अधिकारी का जो अगर सिलेबस को मैं अगर देखूँ मोटा मोटा, ठीक है, तो इसमें आपकी करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है। ये आपकी 30 नंबर की आने वाली है। आपको कहोगे सिलेबस में तो 20 लिख रखा है, इसमें खेलकूद भी है, इसमें आपका खेलकूद भी है। एक बात समझ लेना, सिलेबस में एग्जैक्ट करंट अफेयर में क्या क्या लिखा है उस पर ज़्यादा मत जाना, है ना, आयोग बहुत भ्रमित करता है, ये ध्यान रख लेना, है ना। जैसे उसमें आपका पे नक्सलवादी वो सो लिखा हुआ है ना, हालांकि मैं आपको उन टॉपिकों को भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, बट वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनको भी देखेंगे, और बाकी जो ट्रेडिशनल करंट है हमारा उनको भी हमें देखना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें पुराना करंट बहुत आएगा, पुराना करंट समझ रहे हो, जैसे बहुत साल पहले आशा योजना एक चली होगी, है ना, आशा योजना चली होगी, ठीक है, उस तरह वाला करंट है ना, जैसे मिड डे मील योजना, उस तरह वाला जो पुराना वाला करंट है वो इसमें बहुत पूछा जाता है। आयोग यहाँ पे बहुत गेम खेलता है, ऐसा मैंने एनालिसिस किया है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा वो सब एनालिसिस बेस पे होंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पे करंट जो भी पढ़ाऊंगा उसमें आपको मतलब समझ में आ जाएगा, पहले जितने भी अभी रिसेंट में आपके एग्जाम हुए हैं पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, ठीक है, पटवारी का, वीडियो का, जितने भी अभी आपका वीडियो का, बीपीडीओ का एग्जाम तो खैर इसने कराया था, यूके ट्रिपल्स ने, यूकेपीएससी ने जितने भी एग्जाम करा रखे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, उसमें करंट के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, उन टॉपिकों को सिलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पे चीज़ों कराऊंगा, है ना। तो मतलब बहुत ऑथेंटिक करंट कराऊंगा, ऐसा नहीं आप सनाप हम कुछ भी कर रहे हैं, पता ही नहीं है सीजीएल के पढ़ रहे हैं, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, फिर बैंकिंग के करंट पढ़ रहे हैं, ये यूकेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं कि यूकेपीएससी, ठीक है, यूके ट्रिपलएससी के लिए पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं हमको, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यूकेपीएससी का ही जो करंट है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बाकी उसके अलावा अगर आपको टॉपिक लगता है तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 30 नंबर का इसमें आपका पे करंट है, बहुत ज्यादा वेटेज रहने वाला है इसका, ठीक है। तो ट्रेडिशनल करंट हो गया आपका पे और खेलकूद हो गया इसमें आपका, ठीक है। देखिए ये आपका 30 नंबर का है। दूसरा इतिहास की बात करते हैं तो ये आपका 20 नंबर का रहेगा इतिहास आपका, ठीक है। भूगोल और जनसंख्या, ठीक है, इसे जननांकिकी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जैसे हम पढ़ते हैं जैसे मालथस का सिद्धांत तो हो गया, ठीक है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत तो हो गया, है कि नहीं है, हम पढ़ते हैं ना, आपके भी वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेज में, है ना, कौन सी अवस्था में जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ती है, हमने यहाँ पे स्टेज 2 वहां पे हमने किया था। तो एक बात समझ, यहाँ पे इसके अंतर्गत उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, बाकी जो आंकड़े वगैरह हैं, जो आंकड़े हमें प्रोवाइड कराते हैं जनसंख्या के, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये आपका टोटल 20 नंबर का है। फिर आपकी हिंदी, हिंदी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है, लेकिन हिंदी हम लोग पढ़ते ही रहते हैं तो हमको ज़्यादातर आती ही है, तो हिंदी में मैं उन्हीं टॉपिक को टच करूंगा जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कतें होती हैं, उन टॉपिकों को मैं यहाँ पे टच करूंगा, ठीक है। बाकी आपका कोई भी टॉपिक होगा आप लिख देना नीचे, मैं उसे करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना। लेकिन बसरते अब ऐसा यह है कि अब मुझे पता है, कम से कम मुझे बता देना कि ये टॉपिक सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको करा दूंगा, ये आपका 100 मार्क्स का है, इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। तो कम से कम देखिए अपना स्कोर यहाँ पे 80 प्लस तो लेके ही चलना, यहाँ पे इतना आना ही चाहिए आपका, वरना 85 प्लस आप करोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए अगला आप आपका राजव्यवस्था और संविधान है, ये आपका 20 मार्क्स का है, राजव्यवस्था और संविधान, ठीक है। यह 20 नंबर का आपका राजव्यवस्था के अंदर वही पंचायती राज व्यवस्था और ये वो सो, और संविधान के अंतर्गत वही हम जो पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति ये वो सो, वो सब चीज़ें, वो इस मौलिक अधिकार वगैरह वगैरह ये सब इसमें है ना। तो ये आपका 20 मार्क्स का है। अर्थव्यवस्था और कृषि मिला करके 20 नंबर की है। देखिए कृषि उसमें अलग से लिखा हुआ है बट वो पोर्शन इसी का ही है, ठीक है। कृषि अलग से 10 नंबर की आने वाली है, बहुत उधेड़ की चलूंगा इसको मैं, इसको बहुत उधेड़ की चलूंगा। 10 नंबर में से
8-9 नंबर तक की तो मैं जिम्मेदारी लूंगा टॉपिक की, है ना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, वहीं से इतना रहना चाहिए, है ना। ठीक है, बस ये देखो दावा नहीं करता मैं किसी बात का, लेकिन जिम्मेदारी से पूरा पढ़ाऊंगा, ये आप विश्वास करना। ठीक है, अगला आपका आपका विज्ञान रहेगा, ध्यान रखेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, इन तीनों को अगर मैं मिला देता हूं तो ऑलमोस्ट ये लगभग 20 नंबर का आपका ये बनेगा। ठीक है, विज्ञान यानी कि साइंस आपका, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक, और ये आपका एनवायरमेंट वाला पोर्शन, इसमें आपका 20 मार्क्स का भी बनेगा आपका। ठीक है, एक पोर्शन आपका सांख्यिकी का है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो परसेंटेज बेस पे आते हैं, बाकी रेशियो वेशियो वाले जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका कैसे होता है, जैसे आपका एक चार्ट आपको दे देगा, है ना, कोई अगर समझ नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ से होता कैसा है, एक चार्ट आपको दे देगा, मतलब एक डेटा आपको देगा, चाहे इस तरह से आपका पे, चाहे बेटा आपका पे इस तरह का डेटा दे देगा, है ना, जैसे आपका बोला भाई शहर जनसंख्या ये इस तरह से दे आपका पे। ठीक है, तो इनके बेस पे आपको देगा आपका भाई गेहूँ चावल ऐसा कुछ भी आपको दे देगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इसकी तुलना में ये इतना बिक रहा है, मतलब इतनी कीमत इतनी है, ठीक है, तो आपसे पूछा भाई ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, इस तरह रेशियो और परसेंटेज वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर इसमें आते हैं। ठीक है, उन बातों पर हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और आखिरी जो पोर्शन आपका है वो है आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड आपकी 60 नंबर की है, इसका भी अपने आप में ज्यादा रोल रहेगा, बट देखिए मार्क्स यहाँ एवरेज ही रहेंगे, एक बात समझ लेना। देखिए भले ही आपको उत्तराखंड के आपको नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, बट जो लास्ट में फाइनल लोग जो दिखेंगे ना आपको, उन सबके एवरेज ही मार्क्स दिखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का लगभग लगभग एवरेज मार्क्स आपके रहेंगे। हिंदी में भी लगभग आपके एवरेज मार्क्स रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ी होती है, उत्तराखंड भी सब लोग उधेड़ के पढ़ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सबको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। 60 नंबर की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो लगभग मुझे लगता है सभी पढ़ना चाहिए, सभी पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी ज़्यादा कहाँ से, जैसे इतिहास में है, इतिहास में आपका इतिहास तो आपका प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाता है ना, फिर आप यहाँ पे कुड़िंद हो गए, चंद, पवार, गोरखा, अंग्रेज, आखिर कौन सा पोर्शन कहाँ से ज़्यादा आपका आ सकता है। ठीक है, और जहाँ पे कहाँ आपको, मतलब बच्चे कहाँ मिस करते हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे भी इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। हाँ, अब देखिए अभी मैं जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं चार सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चार सब्जेक्ट ऊपर वाले, ये चार सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे करंट मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये क्लास करंट क्लास आपकी संडे को आएगी, संडे आप करंट क्लास आएगी। ठीक है, बड़ी थोड़ा लंबी क्लास होंगी, मतलब एक हफ्ते के अंदर मैं जितना करंट तैयार करूंगा लगभग लगभग ये आपका संडे को उसकी क्लास आपको मिल जाएगी, थोड़ा लंबी क्लासेस होंगी, धैर्य बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, देखिए, और इतिहास सेकंड में आपका पे इतिहास लूंगा, ये आपका मंडे और ट्यूसडे आपको इसकी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना उसकी क्लास आपने भी, और फिर आपका तीसरा भूगोल और जनसंख्या। ठीक है, ये आपका वेडनेसडे और, ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे, दो दिन आपका रहेगा पे, और हिंदी आपका पे फ्राइडे और सैटरडे आपका पे हिंदी रहेगा। ठीक हो गया, ठीक है, इस तरह से जो आपकी ये क्लास में आपको दूंगा, याद रखना मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्लास में आपको दूंगा। ठीक है ना, ये आपका इस तरह से रहेगा, और बाकी अगर इसका आपको अगर कंप्लीट कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, ईओ का कंप्लीट कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप देवकी आईएएस, देवकी, ठीक है, देवकी आईएएस की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस कोर्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोर्स जो है हमारा ये स्टार्ट हो गया है, आप ये कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज जो आपके यूट्यूब पर चल रही है वो आपकी फ्री चल रही है। ठीक है, बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।